लगता है सोई रही है, चुपचाप निकल जाती हूँ। अरे भाभी कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं पर भी तो नहीं। ये कहाँ जा रही है सुबह सुबह आधी रेडी होके, ना मांग भरी है ना बिंदी लगाई है? अरे वो मुझे मेरी फ्रेंड के पास जाना है, उसकी ना आज किसी की शादी है और उसको रेडी करने मुझे जाना है। याद है ना मैं कितना अच्छा मेकअप करती हूँ, आपका भी तो किया था। ज्यादा अच्छा मत कर देना, ज्यादा खुश हो जाएगी नहीं तो वो। हाँ तो मैं जा रही हूँ, बस उसको रेडी करने ही जाना है और मैं थोड़ा लेट आऊंगी, मतलब मुझे 10-11 बज जाएंगे रात में। मतलब इतना लेट क्यों आऊंगी? बस मेकअप ही तो करना है। वो हो जाएगा लेट, हो सकता है मैं भी पार्टी में चले जाऊँ। ज्यादा अच्छा मेकअप मत कर देना, कहीं वो देखने लायक ना रहे। हाँ वैसे मैं भी सोच रही हूँ मैं भी पार्टी में चली जाऊंगी उसके साथ, उसको भी कंपनी मिल जाएगी। अरे आप पार्टी में जा रही हो तो उसने हमें इनवाइट नहीं किया, घर वाले लोगों को? नहीं नहीं सिर्फ मुझे इनवाइट किया है। और कैसी फ्रेंड है? आपके भैया भी आएंगे शाम को, बता देंगे वो। ठीक है मैं निकल रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो जाएगा अपॉइंटमेंट, उसको मेकअप करना है मुझे। बाय बाय। हाँ हाँ बाय। भैया आएंगे तो मतलब मैं भी जाऊंगी और वहां जाके इनको सरप्राइज दूंगी, शॉक्ड हो जाएंगी। अरे यार पार्टी स्टार्ट हो गई, ये कहाँ रह गए? हद होती है, मेरे कानों के बूंदे भी लेकर। क्या हुआ? अरे मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, कहाँ रह गए थे तुम? इधर ही था यार मैं। हद होती है। हाँ इधर ही थे। दीदी आप? मैं भी आ गई अपने भाई के साथ। अच्छा आंटी नमस्ते, आंटी आपको बुला रही है। मेरी नंद यही है, चली जाओ चली जाओ। तुम पागल हो क्या, अपनी बहन को क्यों यहाँ पर लेकर आ गए हो? अरे लेकिन उसको लाने में क्या बुराई है? मैंने उसको झूठ बोला था कि मैं अपनी फ्रेंड को सजाने जा रही हूँ और तुम उसी को यहाँ पर ले आए। हद होती है तुमसे भी, तुम्हें तो मैं घर में देखूंगी। अगर किसी को झूठ बोले तो मुझे भी तो बताओ ना। तुम्हें भी तो बताओ ना, तुम अपनी बहन को पता नहीं क्या समझते हो, मुझसे भी अच्छे कपड़े पहन कर आई है यहाँ पर वो। तुम ये चीज नोटिस कर रही हो? हाँ मैं यही नोटिस कर रही हूँ, मेरे कानों के कहाँ डायमंड के लेकर आए हो? नहीं वो तो तुमने देखे नहीं क्या, दीदी कानों में? तुमने वो दीदी को दे दिए? हाँ। तुम्हें तो मैं घर में देखूंगी, निकलो यहाँ से। भाभी क्या हुआ, आपके कान इतने सोने सोने क्यों हैं? वो मैं कानों के घर पर भूल गई गलती से। अच्छा बाय द वे आपने मेरे क्यों झुमके पहने हुए हैं? अरे मुझे तो भैया ने दिए थे, बोला आपके ऊपर ये बहुत अच्छे लगे हैं क्योंकि ये मेरे ड्रेस से मैच जो हो रहा है, सिल्वर सिल्वर। बाय द वे आज मैं पहनने वाली थी और आपके भैया को पता नहीं था। आप पहनने वाली थी, आप तो मेकअप करने गई थी ना? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आपके ऊपर ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप ही पहनो इनको। वो तो मुझे पता ही है। और मेरी फ्रेंड वो बस आती होगी जिसको मैंने रेडी किया है। लग रहा है मुंह छुपा के बैठी है मेकअप करके, समझ गई मैं। अच्छा मेकअप किया है मैंने, समझी। अच्छा देख लेंगे, आती ही होगी। वैसे आपका मेकअप किसने किया है? मैंने तो पार्लर वाली से करवाया है। कुछ लोग गंदा करते हैं लेकिन सोचते हैं बहुत अच्छा करते हैं। आज खैर आपका मेकअप अच्छा हुआ है मगर मेरे कान बहुत सूने लग रहे हैं तो। ओके मुझे वो वाली आंटी बुला रही है दोबारा से, वो देखो मैं आती हूँ। अरे कोई नहीं बुला रहा आपको, सुनो। चालू कहीं की चोर भी है एक नंबर की, तो मैं देखती हूँ। यार कितना बेकार खाना है दीदी। हाँ क्या हुआ आपको? खाना कितना बेकार है यहाँ का, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इधर। खाना बेकार है? आपने कुछ खाया भी है? बकवास कर रही हो ऐसी, तभी तो पता चला टेस्टलेस है। आपको पता भी है कितनी मेहनत लगती है ये इवेंट करने में, खाना बनाने में? आपको क्या पता, बस बेइज्जती कर दो किसी की भी। फालतू में मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं घर जा रही हूँ और मैं कुछ मैगी वैगी बना के खा लूंगी। अरे मगर इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो आप, रुक जाओ यहीं पर, मजा तो आ ही रहा है, डांस भी करना है अभी हमें। आई तो मैं इसको चढ़ाने के लिए थी, लगता है मैं ही चढ़ गई हूँ। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस मैं जा रही हूँ, मेरा ना मन नहीं लग रहा और मुझे नींद भी आ रही है। ठीक है आप इंजॉय करो। वैसे एक बात बताऊँ, मन तो मेरा भी नहीं लग रहा और खाना यहाँ का अच्छा नहीं है, है ना? आज तो मैंने आपकी बात मान ही ली है, तो चलो घर ही चलते हैं, मैगी खाएंगे। हाँ चलो लेकिन आप बनाना। ठीक है भाभी मैं थोड़ी थक भी गई हूँ ना, हील्स भी पहन रखी, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। आप बनाना, मैं तब तक मेकअप साफ करके हम दोनों एक साथ बैठ के खाएंगे। ठीक है बिग बॉस भी देखेंगे साथ में, चलो चलो आ जाओ। चलो भूखी नंगी, मैं ही बनाऊंगी घर में जाके भी खाना। इससे अच्छा मैं बोलती ही नहीं यार, मैं तो फंसी गई।